पृथ्वी की भूपरपटी पर वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप महसूस किया जाता है, सर्वप्रथम भूकंप महसूस किया जाता है, भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। अब देखो, जब भी ऊर्जा निर्मित होगी तो ऊर्जा किसी रूप में तो निकलेगी, और यहाँ पे ऊर्जा निकलती है कुछ तरंगों के रूप में। तीन तरह की तरंगें बनती हैं जब भूकंप होता है, पी, एस और एल। ठीक है, पी का मतलब होता है प्राथमिक तरंगें, ये होती है द्वितीयक तरंगें, और ये